आंखें लाल मतलब खतरा। लाल आंख होने का क्या है कारण? लक्षण जान तुरंत करें इलाज। आंखें लाल होना आम बात है, लेकिन कई बार या किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकती है। अगर आंख लाल है और उसमें दर्द होता है तो फिर भी गनीमत है, लेकिन अगर आंख लाल होने पर दर्द ना हो तो यह और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। अक्सर हम देर रात तक जगे रह जाते हैं और तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार शरीर के ज्यादा थक जाने के कारण भी आंखें लाल हो जाती हैं। लाल आंख या आंख का संक्रमण होना बहुत आम हो गया है। कई बार बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ लोग लाल आंख को नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे में आंख में अधिक समस्या हो सकती है जो कि आंख की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में बताते हैं आंखें लाल होने का क्या है कारण। ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस आंखों की एक बीमारी है। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। कई बार गलत या एक्सपायर ब्यूटी प्रोडक्ट का उपयोग भी ब्लेफराइटिस का कारण हो सकता है। इसके कारण पलकों में सूजन आ जाती है। ब्लेफराइटिस के कारण भी आंखें लाल हो सकती हैं। कंजक्टिवाइटिस। आंख के ग्लोब के ऊपर एक महीन झिल्ली चढ़ी होती है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा में किसी भी तरह के इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या एलर्जी होने पे सूजन आ जाती है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अगर आंख लाल हो जाती है और उससे पानी गिरने लगता है तो यह वायरल और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एलर्जी। जब आंखों में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उससे भी आंखें लाल हो जाती हैं। पोलन एलर्जी यानी फीवर के कारण भी कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। पोलन एलर्जी आमतौर पर फूलों से उत्पन्न होने वाले पराग से होती है। कॉर्नियल अल्सर। आंख के कॉर्निया पर हुए घाव को कॉर्नियल अल्सर कहा जाता है। यह मरीज के लिए बेहद तकलीफदेह स्थिति होती है। कॉर्नियल अल्सर में आमतौर पर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होता है। काला मोतिया या ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आंख के अंदर एक दबाव बढ़ जाता है जिससे आंख के पर्दे पर पाई जाने वाली ऑप्टिक नर्व सूखने लगती है और व्यक्ति की नजर लगातार कम होती जाती है। ग्लूकोमा में आंख में पाया जाने वाला द्रव या तो ज्यादा बनने लगता है या उसके बहाव में रुकावट होने लगती है जिसके कारण आंख का दबाव बढ़ जाता है। आयराइटिस। आंख के कॉर्निया के पीछे आयरिस होती है। आयरिस में आई सूजन को आयराइटिस कहते हैं। आयराइटिस के बहुत से कारण होते हैं जैसे टीबी, लेप्रोसी, सिफिलिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस आंख की गंभीर बीमारी होती है। इसका अगर समय से इलाज ना किया जाए तो यह बीमारी आंखों की रोशनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आंख के सफेद हिस्से की कोई खास जगह लाल हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे जोड़ों की बीमारी वालों को आंखों में यह आमतौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा टीबी और कुष्ठ के मरीजों को भी यह बीमारी देखने को मिलती है। इसके साथ ही आंख में चोट लगने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जरा सी चोट किसी को अंधा बना सकती है। कई बार चोट लगने पर लक्षण सामान्य ही होते हैं जैसे आंख लाल होना, पानी आना, दर्द होना आदि। आंख में चोट लगने पर आंखों के डॉक्टर से आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। चोट लगने से आंख में मोतियाबिंद ग्लूकोमा या कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। इसकी वजह से आंख का पर्दा अपनी जगह से खिसक सकता है जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आंख में चोट लगने पर समय से जांच कराकर इलाज कराना चाहिए। सलाह सहित या सामग्री केवल समान जानकारी प्रदान करती है या किसी भी तरह के योग चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें।